Hi everyone, welcome to Unacademy. Today's class is on agrarian structure and classifications. I hope aap sabko update mil gayi thi, and also please let me know whether I am visible or not to you. This is a part of unit 4, that is rural and urban transformations. I hope aap sabko update to mil hi gayi hogi, and please keep a note of all the classes. Whenever I send the link, please follow it because I can't be sending it again and again, right? Okay. So just give me 1 minute. Till then, let me inform everybody again about the class. All right. So a lot of you had suggested that I take something about unit 4, that is rural society, because काफी सारे thinkers ने काफी सारे चीजों के बारे में बात की है, but it's not possible to go through all of it. But I have charted out some important ones. हम देखेंगे उन इम्पॉर्टेंट थिंकर्स ने क्या क्या क्लासिफिकेशन दी है या फिर क्या नहीं. सो आई होप आई एम विजिबल, जस्ट अपडेट मी वंस अगेन एंड अगेन. दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, जो लोग मेरे क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, माई नेम इज अंतरा चक्रवर्ती एंड आई एम योर एजुकेटर फॉर सोशियोलॉजी UGC नेट. ओके, ऑल राइट ऑल राइट, डन. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. अगेन जस्ट अ ब्रीफ रिमाइंडर, प्लीज फॉलो माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज @ अंतरा चक, बिकॉज सारे क्लासेस के अपडेट्स आपको इसी चैनल में मिलेगी. एंड नॉट जस्ट दैट, ऑल माई फ्री क्लास अपडेट्स, ऑल माई फ्री क्लास PDFs आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन दिस चैनल. सो इफ यू हैव नॉट येट फॉलोड, प्लीज डू @ अंतरा चक, एंड फॉलो इट इन सच अ वे दैट आई डोंट हैव टू रिपीट अबाउट द क्लासेस अगेन एंड अगेन. ओके, ऑल राइट. So just a brief reminder that there is a championship that's coming up, mock test along with its analysis. So since you people will also be appearing for paper 1, I want you all to register for it. 11 baje Sunday ko, abhi 31st May mein first time hoga, will be for paper 1. Okay, 11 AM will have paper 1 from Sunday, and the details have been given. मैंने यहाँ पे details attach कर दी है कैसे आपको क्या करना है. Link भी मैंने यहाँ पे डाल दी है. जब आप लोगों को ये PDF में दूंगी class के बाद, वहाँ से आप लोग ये link में register कर सकते हो. Sunday 11 बजे paper 1 की mock test होगी. It's a championship that is happening, so please go and participate in that. Okay, all right. So let's start, but before I start, I want to go through briefly about unit 4. जब हम पढ़ना शुरू करते हैं unit 4, एक चीज हमारे में काफी बार आता है, that is the concept of peasantry. A lot of us have this difficulty, हमें समझ में नहीं आता है कि peasantry क्या होगा, या फिर peasantry और farmer के बीच क्या definition है या क्या difference है. I remember telling this in one of the classes, but I don't know whether you all remember it or not. I will go through that again. मैं आप लोगों को फिर से बताने वाली हूँ कि सोशियोलॉजी में पेजेंट का मीनिंग क्या है और सोशियोलॉजी में फार्मर का मीनिंग क्या है. गाइज प्लीज रिमेंबर दैट पेजेंट जो वर्ड है, इट इज नॉट एज सिमिलर और एज सेम एज फार्मर इन सोशियोलॉजी. पर एक चीज ये है कि देर इज नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ पेजेंट्री. काफी टाइम पेजेंट्री का एक प्रॉपर फिक्स्ड डेफिनेशन हमें मिलता नहीं है. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. सो इन लिटरल टर्म्स, पेजेंट्स आर ऑल दोज पीपल जिनके पास एक लैंड है, उस लैंड पे वो काम करते हैं विद सिंपल टूल्स. सो पेजेंट्स, नंबर वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट पेजेंट्स इज दैट दे आर नॉट रिच फार्मर्स. फार्मर्स आर दोज पीपल जो कहीं ना कहीं अपने टूल्स उनके होते हैं, लैंड भी उनके पास होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द पेजेंट्स आर द पुअरर वंस. ये गरीब वाले होते हैं. पेजेंट्स हम सोशियोलॉजी में यूज करते हैं फॉर द पुअर फार्मर्स. मोस्ट ऑफ द टाइम दोज पीपल जो लैंडलेस हो सकते हैं या फिर लैंड हो भी सकती है, वो हम अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे अलग अलग थिंकर्स ने क्या कही है. बट द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट पेजेंट इज नॉट इक्वल टू फार्मर. ओके, पेजेंट को हम फार्मर नहीं कह सकते. दे बोथ आर नॉट सेम. फार्मर्स आर दोज पीपल हु एटलीस्ट हम आजकल के ज़माने में उसे यूज़ करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अपने प्रोडक्शन मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये वो. बट पेजेंट्स आर जनरली दोज पीपल हु आर ऑफ द लोएस्ट रैंक्स. ओके, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, येस, बट वी विल ऑल्सो सी दैट हाउ पेजेंट्स नाउअडेज आर नॉट रियली सेल्फ सफिशिएंट एंड हाउ द डेफिनेशन ऑफ पेजेंट हैज़ बीन चेंजिंग. तो हम उसके हिस्ट्री के बारे में भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि वॉट हैज़ द अर्लियर पीपल टॉक्ड अबाउट इट. ओके, farmers mostly have, yes. So basically what happens, Akanksha, that generally
हम सोशियोलॉजी में जब डिस्कस कर रहे होते हैं लैंड रिलेटेड, हम फार्मर शब्द को आजकल यूज करते हैं, जैसे कि फार्मर सुइसाइड या फिर फार्मर्स मूवमेंट. फार्मर्स मूवमेंट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम पेजेंट मूवमेंट. पेजेंट मूवमेंट वो बिगिनिंग वाले थे जो हमारे पहले हुए हैं, बरदोली या फिर कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, तिभागा. ओके, बट नाउडेज जो भी होता है हम उन्हें पेजेंट नहीं कहते हैं, हम फार्मर्स मूवमेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल शेटकारी या फिर जो भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं. ओके, they are in short bigger than the peasants. All right, so let's look at some definitions. yahan pe kuch definition hamare liye bahut important ho jati hai. ek first aata hai Eric Wolf se. hum dekhte hain Eric Wolf ka definition kya hai. Eric Wolf is saying an authority on peasant struggles defines them as a population that are existentially involved in cultivation and make autonomous decisions about the process. So काफी time उन लोगों ने आपसे पूछा है in exams who has talked about it, ये किसका definition है क्या नहीं. So you people have to keep this in mind, okay? कि definition based आ सकता है. Till now one question has been asked on net based on a definition and that was by Theodore Shannon. हम देखेंगे Theodore Shannon का definition क्या है, but before that you have to keep in mind Eric Wolf's. And you, when I give you the PDF, मैं आपको Eric Wolf के किताब का नाम भी दूंगी, because this is very confusing. Many thinkers have written on peasants. मैंने आपको दो चार नाम तो डिस्कस की ही थी, N.K. Bose, Robert Redfield, A.R. Desai, but there are more thinkers जिनके किताबों में peasant वाली नाम है. So you people should not be confused with that. Okay? So Eric Wolf says कि generally ये वो class है जो cultivate करती है land में, autonomous decision लेती है. We can take akanksha, that's up to you which keyword you will take. Okay, so here these people are, yes, peasant and peasant society, Theodore Shannon. It's an edited book actually, it's not originally by Shannon, but that's how we will remember for net. Okay, so Eric Wolf ne kaha tha ki ye autonomous decision lete hain, अपने लैंड में क्या करना है क्या नहीं वो अपने से डिसीजन लेते हैं, मोर और लेस इंडिपेंडेंट. ओके, हाउएवर देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद हिज डेफिनेशन. उनके डेफिनेशन में एक प्रॉब्लम है, हम देख लेते हैं क्या है. हिज डेफिनेशन लीव्स आउट सर्टेन कैटेगरीज दैट आर पुअर, मार्जिनल एंड शेयर क्रॉपर्स. आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑल, आर यू पीपल अवेयर विद द कैटेगरी ऑफ शेयर क्रॉपर्स. हम शेयर क्रॉपर्स किसे कहते हैं गाइज? शेयर क्रॉपर्स आर दोज पीपल जो जब कल्टिवेट करते हैं अपने पास कुछ रखते हैं और बाकी लैंडलॉर्ड को दे देते हैं. ओके, सो दे डोंट टेक वेजेस फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, उनको सैलरी नहीं मिलती है, बट दे आर शेयर क्रॉपर्स. मान लो 10 क्विंटल चावल प्रोड्यूस हुई है, उनमें से वो 3 क्विंटल रखेंगे एंड लेट्स से 7 क्विंटल विल गो टू द लैंडलॉर्ड. उसी के बारे में मूवमेंट हुआ था, तिभागा मूवमेंट. ओके, ऑल राइट, सो दिस इज लिटिल प्रॉब्लमैटिक विद Eric Wolf's डेफिनेशन, बिकॉज उन्होंने अपने डेफिनेशन में ना ही ये बताया है कि स्मॉल पेजेंट्स कौन है, ना ही ये बताया है कि मार्जिनल वाले कौन है या फिर शेयर क्रॉपर्स कौन है. सो ये डेफिनेशन में हम इन तीनों कैटेगरीज का कोई डिफरेंस नहीं देख पा रहे हैं. ओके, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड. ऑल राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट thinker that I am going to talk about. So I don't think a lot of us know that Irfan Habib, who is an historian of India, basically he is an historian, but उन्होंने भी कहा है peasantry के बारे में. And as we have seen that net asks us peculiar questions, peculiar quotations from peculiar people, जिनसे हम बिल्कुल भी expect नहीं करते हैं, ये चीज़ में हमें ध्यान में रखना है, because this is actually from IGNU. And बहुत सारे questions IGNU से आती है, that's why I have mentioned it here as well. Okay? So Irfan Habib is an Indian historian. हम देख लेते हैं Irfan Habib ने क्या कहा है. He defines peasantry as a person who undertakes agriculture on his own, working with his own implements. ध्यान से पढ़ो, इसमें वो कह रहे हैं कि peasant वो आदमी है, वो इंसान है जो अपने ही लैंड में काम कर रहा है. It is his land, own land. ओके, एंड नॉट जस्ट दैट, वो जो भी टूल्स यूज कर रहा है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो सब अपने फैमिली से ही है. वो बाहर से लोग नहीं ला रहा है या फिर वो हायर नहीं कर रहे हैं किसी को, ना ही भाड़े का मटेरियल्स यूज कर रहे हैं. एवरीथिंग इज ऑन देयर ओन. सो इन शॉर्ट वी कैन से अकॉर्डिंग टू Irfan Habib's डेफिनेशन, दीज आर मोस्टली दोज पीपल जो अपने सबसिस्टेंस के लिए ये सारे चीजें कर रहे हैं. ओके, ऑल राइट, उसके बाद वी कम टू अनदर थिंकर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर फ्रॉम आर नेट पर्सपेक्टिव, दैट इज Theodore Shannon. गाइज प्लीज रिमेंबर दिस नेम, इसको याद कर लो, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं Theodore Shannon से. एंड नॉट जस्ट दैट, उनकी जो किताब का नाम है Peasant and Peasant Society, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं अब तक. ओके,
सो लेट अस सी व्हाट इज हिज डेफिनेशन. आई थिंक अ फ्यू डेज बैक मैंने ये क्वेश्चन क्विज में भी पूछा था अबाउट हिज डेफिनेशन. तो आपको याद करना है उनके डेफिनेशन. नॉट जस्ट दैट, उन्होंने और भी कुछ हमें कॉन्सेप्ट्स दी थी एंड आई थिंक आउट ऑफ यू पीपल समवन हैड पॉइंटेड इट आउट. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरडॉग, दैट इज बाय थियोडोर शनिन. ओके, ये चीज आप लोगों को याद रखना है. उनके बुक का नाम है पेजेंट एंड पेजेंट सोसाइटी. लेट अस सी हिज डेफिनेशन नाउ. ऑल राइट, सो व्हाट डज थियोडोर शनिन से? ही डिफाइंस देम एज कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स हु विद द हेल्प ऑफ स्मॉल इक्विपमेंट एंड लेबर ऑफ देयर फैमिलीज प्रोड्यूस मेनली फॉर देयर कंजम्पशन. सो बेसिकली आप एक लिंक देख सकते हो. इरफान हबीब ने जो भी कहा था कि ये वो छोटे पेजेंट, छोटे फार्मर्स होते हैं जो अपने ही लैंड में काम करते हैं, टूल्स भी अपने खुद का यूज करते हैं एंड उनके जो लेबरर्स होते हैं वो भी फैमिली मेम्बर्स होती है, उसी को थोड़ा एक्सप्लीकेट किया है थियोडोर शनिन ने. ही हैज एक्सपैंडेड दैट डेफिनेशन एंड गेव इट टू अस इन अ लिटिल बिट डिटेल्ड मैनर. ओके, सो डिटेल हमारा हो जाएगा थियोडोर शनिन, देख लेते हैं. नंबर वन, स्मॉल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स. नंबर टू, सिंपल इक्विपमेंट. लेबरर्स भी उनके फैमिली की होती है, मेनली फॉर देयर ओन कंजम्पशन, दैट इज देयर सबसिस्टेंस, उन्हीं के कंजम्पशन के लिए. फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ द होल्डर्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर. गाइस, वन थिंग यू पीपल हैव टू रिमेंबर कि जब ये लोग ये डेफिनेशंस दे रहे थे, ये अब के लोग नहीं है. दे बिलोंग टू दोज टाइम्स व्हेन दे हैव लुक्ड एट सोसाइटीज फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट मैनर. जब फ्यूडलिज्म था, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म आ रही थी, इसीलिए उनका जो डेफिनेशंस है, यू विल ऑलवेज फाइंड दीज काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कि एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर है ऊपर. दैट मीन्स मोर और लेस इट्स अ फ्यूडल सोसाइटी और एन एस्टेट सोसाइटी, जहां पे हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि जमींदार हुआ करते थे. ओके, इज इट क्लियर गाइस? थियोडोर शनिन का अंडरडॉग एज अ कॉन्सेप्ट इज बाय थियोडोर शनिन, सो प्लीज रिमेंबर दैट. ओके, ऑलराइट. करम इज सेइंग टॉपिक वाइज, गाइस इन यूट्यूब we just solve several mixed topics. Topic wise हमारा Unacademy Plus में होता है. Okay, just in case you guys wanted to clarify this. All right, okay. So basically he says these are large number of categories within the peasantry. What are they? Small, big, rich, middle, marginal. So now coming to a general definition of peasantry, हम ये देखते हैं कि generally हम peasants को इन चार categories में बांट सकते हैं. What are they? Small, big, रिच, मिडिल या मार्जिनल. मार्जिनल इज द लोएस्ट, जो हार्डली मेक्स एनीथिंग फॉर देयर सर्वाइवल. मार्जिनल शब्द जब भी आप देखोगे सोशियोलॉजी में, इट मीन्स वेरी वेरी मिनिमम. ओके, सबसे गरीब वाला कैटेगरी. नाउ इन दीज कैटेगरीज, नाउ वी विल टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज गिवन बाई डिफरेंट पीपल. नंबर वन कैटेगरी कम्स फ्रॉम द मार्क्सिस्ट, दैट इज एंगल्स. एंगल्स ने कहा है कुछ कैटेगरीज के बारे में, हम देख लेते हैं वो क्या है. ओके, और ये सारी कैटेगरीज डिपेंड किस पे करती है? इकोनॉमिक पोजीशन पे, कि आपके पास कितना लैंड है, कितना प्रॉपर्टी है आपके पास, आपका लोकेशन क्या है सोसाइटी में, आर यू एन एलीट, और क्या आप एक लैंडलॉर्ड सिचुएशन में है जैसे कि इंडिया में जमींदार हुआ करते थे, या फिर आप क्या हो. ओके, सो एंगल्स ने कहा है कुछ फ्यूडल पेजेंट्स हुआ करते थे, सो दैट इज नंबर वन. नंबर टू, टेनेंट्स. नंबर थ्री, पुअर पेजेंट्स and farm laborers who respectively perform service to their landlords, make payments of higher rents, cultivate and own small patches of land. Basically, ये वो सारे लोग हैं जो basically हमारे landlords, feudal peasants का मतलब है कि जो feudal landlords हुआ करते हैं. Okay? जैसे इंडिया में आप अप्लाई करके सोचो जमींदार, तो फ्यूडल लैंडलॉर्ड के लिए अगर आप काम कर रहे हो, आप फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे, दैट इज फ्यूडल पेजेंट्स. उसके बाद हमारे वो होते हैं वो मेक पेमेंट्स ऑफ हायर रेंट्स. आपको एक लैंड दे दिया गया है, यू आर द टेनेंट. टेनेंट मतलब जो भाड़े पे रहते हैं. आई थिंक दैट इज क्लियर, यस. सो वो लोग वो लैंड पूरा ले लेते हैं और भाड़ा वो पे करते हैं, जैसे हम भी किराए में रहते हैं. सो दे आर बेसिकली पेइंग द किराया. ओके, एंड नंबर थ्री आर पुअर पेजेंट्स एंड फार्म लेबरर्स. बेसिकली जो अपने ही छोटे जमीन होते हैं उन्हीं को वो कल्टिवेट करते रहते हैं, बेसिकली फॉर देयर ओन कंजम्पशन. ओके, ऑल राइट, क्लियर? इज इट क्लियर? टेनेंट मीन्स किराएदार. टेनेंट मीन्स आर दोज पीपल जो किराए पे रहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन दिल्ली आई स्टे इन अ
हाउस वेर आई हैव टू पे रेंट, सो आई एम अ रेंटेड टेनेंट, मतलब जो लोग रेंट पे रहते हैं, जो रेंट पे उन्होंने लैंड ली है. ओके, इज इट क्लियर? आई होप इट इज नॉट बफरिंग. ऑल राइट, सो ये तीन हमारे कैटेगरीज एंगल्स के हो गए हैं. प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लो, बिकॉज बहुत बार क्वेश्चन आया है ऑन डिफरेंट पीपल एंड देयर क्लासिफिकेशन. ओके, उसके बाद वी कम टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, दैट इज व्लादिमीर लेनिन फ्रॉम रशिया. गाइज, लेनिन से काफी बार क्वेश्चन आया है, एंड लेनिन वाला क्वेश्चन और एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, दैट इज द होल स्लाइड इज अबाउट लेनिन. लेनिन ने क्या कहा है अबाउट एग्रीकल्चर, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपेजेंटाइजेशन. आए दिन आप लोग ग्रुप में पूछते रहते हैं, प्लीज नोट डाउन कर लो. ओके, प्लीज नोट डाउन कर लो. शेयर क्रॉपर्स भी हो सकते हैं, टेनेंट्स यस हो सकते हैं, बट जनरली शेयर क्रॉपर्स लिटरली आर दोज पीपल जो आधे या फिर जो भी अमाउंट है शेयर अपना लेके बाकी लैंडलॉर्ड को दे देते हैं. ओके, सो हिज फुल नेम इज व्लादिमीर लेनिन. ऑल राइट, यस दिव्या, ऑल ऑफ दीज आर विद एनोटेशंस मैं देती तो हूँ. प्लीज फॉलो माई टेलीग्राम चैनल @ अंतरा चक, बिकॉज आई कैन सी मेनी ऑफ यू आर नॉट फॉलोइंग, तो आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे. ओके, यस, सो लेनिन ने एक तो कॉन्सेप्ट दी है डीपेजेंटाइजेशन का, तो चाहे घुमा के कोई भी क्वेश्चन आए, यू हैव टू नो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपेजेंटाइजेशन, डीपेजेंटाइजेशन सिंपली मीन्स द वर्ड डी मीन्स छोड़ देना. अब डी के बाद में कुछ भी लगा दो उसका मीनिंग सेम रहेगा. डीपेजेंटाइजेशन मीन्स जो पहले पेजेंट था अभी नहीं रहा. ओके, सो एनीथिंग, लेट्स से डी संस्कृताइजेशन, दैट मीन्स पहले मैं संस्कृताइज हुआ करती थी अभी नहीं हूं. सो डी मीन्स बेसिकली छोड़ देना. ओके, इज इट क्लियर? डोंट वरी गाइज, आई विल गिव यू द पीडीएफ. कुछ हमारे दो चार पेंडिंग पीडीएफ्स भी है, वो सारे आपको मिल जाएंगे इस वीकेंड पे. ओके, बिकॉज आई एम येट टू ऐड सम बुक्स नेम एंड ऑल दैट. सो लेनिन ने रशिया में कुछ कॉन्सेप्ट्स दी थी, कुछ बेसिकली कैटेगरीज दी थी हमें. व्हाट आर दे? मिडिल, रिच, स्मॉल, एग्रीकल्चरल प्रोलेटेरियट एंड सेमी प्रोलेटेरियट. गाइज, प्रोलेटेरियट वर्ड देख के ही आपको समझ में आ रहा है, सिंस लेनिन वॉज अ मार्क्सिस्ट. And definitely he differs from Marx, but however he belongs to the same tradition. तो यहाँ पे proletariat शब्द का आपको दिख रहा है, जो basically हम factory workers में use करते हैं. We don't generally see the word proletariat with farmers, but here we are seeing it with Lenin. Okay? चलो, all right. So agricultural laborers were identified on the categories living on hiring out their labor. कि कौन कितना लेबर हायर कर रहा है, कौन कितना लेबर हायर करने के सिचुएशन में है. मान लो आई एम वेरी रिच, मान लो मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, तो मैं बहुत लोगों को हायर कर सकूंगी. अगर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खुद के खाने के ही पैसे नहीं है, तो फिर मैं बाकियों को कैसे हायर करूँ. ओके, सो सेमी प्रोलेटेरियट बेसिकली आर दोज हु ओन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड एंड पार्टली वर्किंग एज वेज लेबरर्स. उनके पास अपने खुद के लैंड है छोटे बहुत, एंड दे ऑल्सो वर्क एज वेज लेबरर्स. बाकियों के लैंड में काम करके भी उनको सैलरी मिलती है. ओके, स्मॉल पेजेंट्स आर टेनेंट होल्डर्स एंड लिविंग ऑन हायरिंग आउट देयर लेबर. स्मॉल टेनेंट्स अपनी लैंड नहीं रखते हैं, वो बेसिकली अपना लेबर को हायर करने दे देते हैं, दे आर किराएदार्स. ओके, बिग पेजेंट्स इज अ कैटेगरी हु आर कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स, जिसको उन्होंने कुलक्स कहा है. प्लीज रिमेंबर दिस टर्म कुलक्स, बिकॉज आई थिंक आई हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट समवेयर इन द वेरी रिसेंट टाइम एंड आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल कि ये कुलक्स कॉन्सेप्ट आया कहाँ से. ओके, सो ही आइडेंटिफाइड रिच विद कुलक्स हु आर वेरी रिएक्शनरी एज वेल. प्लीज रिमेंबर, ये हमारा मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन का थियरी है, सो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इधर उधर आ सकते हैं आपको मार्क्सिस्ट वाले. ओके, हाउएवर द मिडिल पेजेंट इज सेल्फ सपोर्टिंग ऑसिलेटिंग कैटेगरी ड्यू टू बी कोर्स. सो मिडिल हमारे वो हैं जो रिच और प्रोलेटेरियट के बीच ऑसिलेट कर रहे हैं. इज इट क्लियर? जस्ट लाइक मार्क्स गिव्स द कैटेगरी ऑफ पेटी बुर्जुआ, जो एक बार बुर्जुआ होते हैं एक बार प्रोलेटेरियट हो जाते हैं. ओके, स्मॉल पेजेंट्स वो होते हैं जो बेसिकली किराएदार होते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, जो बाकियों के लैंड में काम करते हैं थ्रू देयर लेबर, जस्ट लाइक अ फैक्ट्री वर्कर. ओके, इज इट क्लियर गाइज? सो दीज आर सर्टेन टर्म्स दैट यू पीपल हैव टू रिमेंबर, कुलक्स, लेनिन के कैटेगरीज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपेजेंटाइजेशन. ऑल्सो और एक चीज याद रखना है, अगर आया एग्जाम में इनडिरेक्टली कि रशिया से कितने कैटेगरीज आए थे, तो रशिया से लेनिन ही क्वेश्चन आएगा. ओके, अच्छा,
उसके बाद हम आते हैं चाइना में. चाइना में देयर वाज वन मोर पर्सन दैट इज माओ. माओ ने भी कुछ कैटेगरीज दी थी, हम देख लेते हैं. दिस इज दैट माओ जिसके बाद हम माओइज्म कहते हैं, वो वही माओ है चाइना के. ओके, उन्होंने पेजेंट्री को ये कैटेगरीज में बांटी थी, दैट इज लैंडलॉर्ड, मिडिल पेजेंट्री, पुअर पेजेंट्री एंड वर्कर्स. ये उनके कैटेगरीज हैं. अब तक माओ से कोई क्वेश्चन आया है नहीं. आई डोंट नो वेदर यू नीड डेफिनेशन और इन डिटेल एनालिसिस ऑफ इट. बस आप लोग इतना याद रखो माओ के कैटेगरीज. ओके, ऑल राइट. स्मॉल पेजेंट्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स आर सेम. यस, यही पे तो आई थिंक आई हैड मेंशन स्मॉल पेजेंट्स या फिर एग्रीकल्चरल प्रोलेटेरियट आर मोस्टली द सेम. ओके, ऑल राइट. सो लेट्स सी माओ कौन, माओ ने क्या क्या कहा है. नंबर वन लैंडलॉर्ड, नंबर टू मिडिल पेजेंट्री, नंबर थ्री पुअर पेजेंट्री, नंबर फोर वर्कर्स. तो ये पूरा हमारे फॉर्मेट में आया है. ओके, क्लियर है गाइस. सो लेट्स कम टू आंद्रे बेते नाउ. आंद्रे बेते के क्लास में मैंने आप लोगों को दिया था, आई हैड गिवन यू आंद्रे बेते's अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेजेंट्री, क्या उन्होंने डिफाइन किया है. इफ यू पीपल हैव रेड द पीडीएफ, आप लोगों को याद होगा आंद्रे बेते का. बट जस्ट इन केस यू पीपल डोंट रिमेम्बर, मैंने उसी को कॉपी कर दिया है यहाँ पे भी, सो दैट आपका सारा मटेरियल साथ में रहे. ओके, आंद्रे बेते ने पेजेंट्री का फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेफिनेशन दिया था. वट इज दैट, उन्होंने कहा था मोर और लेस होमोजिनस an undifferentiated community of families characterized by small holding. वही कि छोटे लैंड है और अपने ही फैमिली मेंबर्स उस पर काम करते हैं. ओके, एंड बेते ने दो चीजें दी थी, लैंड कंट्रोल के आधार पर कैटेगरी दिया था और लैंड मैनेजमेंट के आधार पे. नंबर वन जो फैमिली लेबर यूज करते हैं, नंबर टू जो भाड़े पे लेबरर लेते हैं, नंबर थ्री जो कंप्लीट टेनेंसी हो जाती है जहां पे आप पूरा का पूरा लैंड ही दे देते हो. ओके, yes, I know there are many classifications, but today's class was all about classification because मुझे आए दिन इतने सारे classifications मिले that I thought that you people should be aware of those. Okay, yes, so please take a note. Generally, I have seen that they ask you questions from Theodore Shannon, they ask you from Andre Bete, Daniel Thorner. ये कुछ हमारे repeating names हैं जो आती रहती है exam में. Okay, studies in agrarian structure. Yes, very much. All right. So, यही हमारे फॉर्मेट में है. फर्स्ट सबसे गरीब जो हमारे ही फैमिली लेबर को यूज कर रहा है, उसके बाद हायर लेबर कि मेरे पास मान लो चलो लाखों रुपए हैं, नॉट करोड़ों, तो एटलीस्ट आई कैन डू सम वर्क एंड आई कैन ऑल्सो हायर समबडी. तीसरा है अगर मेरे पास करोड़ों रुपए हैं तो मैं पूरा का पूरा लैंड ही दे दूंगी, बाकी लोग टेनेंसी करेंगे उस पर. ओके, अभी आते हैं हम लोग डैनियल थॉर्नर में. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, और आप लोग मुझे ये भी बताएं कि डैनियल थॉर्नर का बुक का नाम क्या है जहां पे उन्होंने ये सारे चीजों के बारे में बात की है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डैनियल थॉर्नर, व्हाट इज दैट. उन्होंने तीन कैटेगरीज में बांटी थी, लेकिन उनका ये कैटेगरी ये लैंडलॉर्ड टेनेंट लेबरर वाला नहीं है. ओके, ही रिजेक्ट्स दिस क्लासिफिकेशन. यस एग्जैक्टली, मालिक किसान मजदूर वाले ही हैं ये, आई थिंक एवरीबॉडी नोज दैट. So his basis of classification was what? उन्होंने किस आधार पे तो फिर classify की है? उनका basis of classification was income, कि आपको income कैसे मिल रहा है? क्या आपको rent मिल रहा है? या फिर आप खुद cultivate कर रहे हो? या फिर आपको salary मिल रही है? Okay? Nature of rights, क्या आप land owner है? या सिर्फ किरायेदार है? Share cropper है? या फिर कोई भी right नहीं है आपके पास? Number three, the extent of field work, कि आप खुद फील्ड में कितना काम कर रहे हैं. लेट्स से यू आर अ वेरी रिच लैंडलॉर्ड, आपका फील्ड के साथ कोई नाता नहीं रहेगा, यू विल नॉट गो ऑन द फील्ड एंड वर्क, बट द पुअर फार्मर्स दे विल हैव टू गो, राइट. सो इसी को उन्होंने एनालाइज करके ये तीन फेमस हमें कैटेगरीज दी थी, दैट इज मालिक जो एग्रीकल्चरल लैंडलॉर्ड्स है, किसान फॉर वर्किंग पेजेंट्स इंक्लूडिंग टेनेंट्स एंड मजदूर फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स. प्लीज आप लोग याद रखो, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं. लैंड एंड लेबर इन इंडिया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. इनफैक्ट ही हैज टू थ्री बुक्स ऑन एग्रीकल्चर, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी वहां पे आई विल अटैच इट. ओके, लैंड एंड लेबर इन इंडिया, प्लीज याद रखो आप लोग. और एक चीज मैं आपको बता दू, ही हैज अ वाइफ, आई मीन उनके जो वाइफ का नाम है इज एलिस थॉर्नर, बट एलिस थॉर्नर भी काफी फेमस हमारे इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने एग्रेरियन पे काफी स्टडीज की है. हाउएवर वी डोंट हैव टू लुक एट हर वर्क्स. ओके, जस्ट डैनियल थॉर्नर इज इम्पोर्टेंट. कैथलीन गफ को हमने पढ़ा है काफी सारे यूनिट्स में, इसमें भी थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं कैथलीन गफ क्या कहते हैं. बेसिकली ही सेज कि जो भी हमारे इंडियन पेजेंट रह चुके हैं, ओके,
and agrarian movements during 200 odd years between the beginning of British rule and Indian independence. She denies that the Indian peasant was passive or fatalistic in nature. This is actually a quotation, not quotation, but it is something that Kathleen Goff says. So in case exam mein aaya ki ye kisne kaha hai about peasant movements, agrarian movements, aap dekh sakte ho. It's just to read. It is only for your reference. Okay? All right. Clear? All right. So let's see. I can't understand what is Yashoda saying. Ko aap marz mat karo. I don't know what is marz. Please tell me the meaning, Yashoda. I didn't understand you. Okay? All right. So let's see the next one. In fact, the last one for today. That is D.N. Dhanagare. ओके डी एन धनागरे ने भी काफी चीजें लिखी हैं. इनफैक्ट उनके जो क्लासेस हैं सबसे डिटेल्ड है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड हैं. तो हम देख लेते हैं उनके ये पांच क्लासेस क्या है. डी एन धनागरे हमारे वही इंडियन वाले हैं जिन्होंने काफी ज्यादा मूवमेंट्स पे काम की है. अग्रेरियन मूवमेंट्स पे उन्होंने काफी ज्यादा चीजें दी है एटसेट्रा. सो ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो उनके पांच क्लासेस है बेसिकली, बट पांच क्लासेस को भी उन्होंने काफी ज्यादा ब्रेक की है सब क्लासेस में. आई डोंट थिंक यू पीपल हैव टू रिमेंबर द सब क्लासेस, बस जो मेजर हमारे क्लासेस हैं वही सारे चीजें आपको देखना है. ओके ऑल राइट. मर्ज नहीं करना है. अच्छा ठीक है, मैं मर्ज नहीं करूंगी तो फिर पीडीएफ. ओके ऑल राइट. सो लेट्स सी व्हाट दैट इज. डी एन धनागरे नंबर वन सेज लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड ऑब्वियसली वो होते हैं जो उनको बस लैंडलॉर्डशिप से ही पैसे मिलती है, रेंट कलेक्ट करते हैं फ्रॉम टेनेंट सब टेनेंट. तो ये इनका कोई लेना देना नहीं होता है विद लैंड. नंबर टू रिच पेजेंट्स. ओके वो स्मॉल लैंड ओनर्स भी होते हैं पर सफिशिएंट लैंड उनके पास होती भी है जहां पे वो अपने कल्टीवेट भी करते हैं, हायर भी कर सकते हैं एटसेट्रा. रिच टेनेंट्स. अब किराएदार में भी तो क्लासिफिकेशन होगी राइट. दोस टेनेंट्स हु आर वेरी रिच, उनके पास बहुत ज्यादा लैंड उन्होंने किराए पे ले रखी है. ओके एंड दे हैव टू पे अ नॉमिनल रेंट. सो इट्स जस्ट लाइक हमारे मॉडर्न डे जैसे हमारे ब्रोकर्स होते हैं, उनके पास बहुत पैसे होते हैं बिकॉज दे हैव दैट केपेबिलिटी टू टेक दैट कमीशन. ओके मिडिल पेजेंट आर दोस पीपल जिनके पास मीडियम साइज लैंड होल्डिंग्स है और बाकी वो टेनेंट्स को भी देते हैं. ओके सो हमारे मेजर क्या हो गए हैं, लैंडलॉर्ड्स, रिच पेजेंट्स, रिच टेनेंट्स, मिडिल पेजेंट्स एंड फाइनली द फिफ्थ कैटेगरी इज दैट ऑफ पुअर पेजेंट. पुअर पेजेंट को लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली क्लासिफाई की है चार कैटेगरीज में. व्हाट आर दोस फोर कैटेगरीज, लेट्स सी. ओके लैंड ओनर्स विद होल्डिंग्स इनसफिशियंट टू मेंटेन अ फैमिली. ओके लैंड ओनर्स वो होते हैं जिनकी फैमिली मेंटेन करने की ही लायक है नहीं, बट वो इसीलिए अपने लैंड को रेंट कर देते हैं. टेनेंट्स विद स्मॉल होल्डिंग, किराएदार है लेकिन होल्डिंग भी छोटी है. शेयर क्रॉपर्स एंड कंप्लीटली पुअर, दैट इज लैंडलेस लैंडलेस लेबरर्स. सो आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू दी सब डिविजन्स, बट व्हाट आई वॉन्ट यू ऑल टू लर्न इज दैट व्हाट आर द फाइव मेजर क्लासेस. ओके नाउ In unit 6, not in unit 4, आपको unit 6 में और एक टॉपिक दिखा होगा, that is of mode of production debate. Now, I don't want to go in detail of mode of production debate because it is a different topic in itself, बहुत लंबा टॉपिक है. बस मैं आपको कुछ बेसिक क्रक्स दे देती हूँ इसका. इंडिया में मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट शुरू क्या था, उत्साह पटनायक ने. उत्साह पटनायक ने काफी ज्यादा क्लासिफिकेशंस दी हैं जैसे कि कैपिटलिस्ट, प्री कैपिटलिस्ट एटसेट्रा. एंड नॉट जस्ट दैट, उत्साह पटनायक ने ये भी कहा था कि सबसे पहले कैपिटलिस्ट फार्मर्स इंडिया में देखी गई है. ये उत्साह पटनायक कहते हैं दैट फार्मर्स आर ऑल्सो बिकमिंग कैपिटलिस्ट. अदर देन दैट देर आर मेनी पीपल लाइक अशोक रुद्रा, हमजा अलवी एंड मेनी मेनी मोर पीपल, द लिस्ट गोज ऑन. ओके राइट. सो वी डोंट हैव टू सी दिस हियर, दिस इज ओनली फॉर यूनिट 4. इफ सम डे आई कैन, आई माइट टेक अ क्लास ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट जो कि अलग हो जाता है हमारा. ओके सो उत्साह पटनायक को हम इसमें नहीं पढ़ते हैं बिकॉज दैट टॉपिक कम्स अंडर कैपिटलिस्ट फार्मिंग जो कि यूनिट 6 का हो जाता है. ओके ऑल राइट. हु हैज यूज द टर्म पेजेंट स्ट्रगल, यशोदा. पेजेंट स्ट्रगल, एग्रेरियन स्ट्रगल, एवरीथिंग इज बाय आंद्रे बेते, नॉट आंद्रे बेते, ए आर देसाई. ओके प्लीज रिमेंबर पेजेंट स्ट्रगल. स्ट्रगल इज अ मार्क्सिस्ट टर्म राइट. हम क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं. सो इंडिया में हु वॉज दैट मार्क्सिस्ट थिंकर, ए आर देसाई. ऑल राइट, ए आर देसाई वॉज दैट मार्क्सिस्ट थिंकर जिन्होंने काफी ज्यादा काम की है इनपे. So it's A.R. Desai. A.R. Desai has a lot of important work in agrarian structure, but he has not given classifications. इसीलिए मैंने
आज AR Desai नहीं पढ़ाया है, because उनका वो discussion में चला जाता है, not classification. Is it okay? All right. So, I hope you guys understood. And we have a class tonight at 9 o'clock, जहाँ पे we will do 40 MCQs. But till then, this is my Telegram. Please follow it because I could see that मुझे link फिर से भेजना हो रहा है आप लोगों को. I don't want to send link again and again before class. आप लोग आ जाना एक बार notification के बाद ही, okay? And this is my referral code. If you join Unacademy Plus, please use it. And Unacademy Plus में I have taught the whole syllabus and my notes are in English. I am repeating, मेरे notes English में होते हैं. Don't think कि मेरे notes हिंदी में हैं, okay? Because I don't want any misunderstanding. Is it clear, guys? Thank you so much. I'll meet you next at 9 p.m. All right? Okay. Clear? All right. Okay then. Bye guys. Bye. I'll send you the PDF. वहाँ पे मैं कुछ books के नाम include कर दूँगी. Okay? Bye.